Assalamualaikum viewers, my name is Rizwan Cheema. Welcome back with another video, Lahore Smart City, episode 29, Walking Tales. इस वीडियो आपको लाहौर स्मार्ट में एंट्रेंस रोड के साथ पांच पला के ब्लॉक बी के लिए जो एंट्रेंस रोड के साथ है एडजेसेंट बिल्कुल ये एंट्रेंस रोड है जिससे कनेक्टिविटी मिलेगी ब्लॉक बी को और उसके साथ ये मेन बुलेवर्ड है। यहाँ पे एक्सपेक्टेडली चार मला और आठ मला कमर्शियल होंगे जो मेन रोड के साथ ही होंगे, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप होगा। ये पार्क एरिया लीनर पार्क का हो जाएगा, जैसे मेन रोड से ये ब्लॉक बी है, इससे दूसरी तरफ जो पार्क ये एरिया लीनर पार्क के रिजर्व है, सेम गोज फॉर दिस एरिया। ये वाला एरिया जो लीनर पार्क रिजर्व हो जाएगा और ये सात कमर्शियल प्रॉपर्टीज होंगी जो एक्सपेक्टेडली मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चार मला आठ मला कमर्शियल होंगे, क्योंकि जो बड़े कमर्शियल्स हैं 1 कनाल 2 कनाल 4 कनाल 8 कनाल 10 कनाल वो सोसाइटी मेन बुलेवर्ड पे देगी जिसकी विड्थ होगी 350 फीट उस पर देगी, और बाकी जो इस रोड पे कमर्शियल होंगे वो सारे छोटे कमर्शियल होंगे। यहाँ पे इस रोड की विड्थ होगी तकरीबन 180 फीट। मैं ज़ूम आउट कर देता हूँ। ये इस रोड की विड्थ होगी 180 फीट, इस पे जो कमर्शियल आएंगे वो आएंगे, और बैक साइड पे ये पूरा ब्लॉक है जिसकी 9 स्ट्रीट्स हैं, 8 लेन्स हैं, 5 मला के ब्लॉक की इस वक्त यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। सोसाइटी की तरफ से एक्सपेक्टेडली इसका पोजेशन जो है वो मई के फर्स्ट वीक में ऑफर कर दिया जाएगा। वैसे डेडलाइन जो सोसाइटी ने दी है वो मई के एंड की है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह काम की स्पीड है, मेन जो काम होता है सीवरेज काम, स्ट्रीट्स का लेआउट प्लान बनना, अब स्ट्रीट की कार्पेटिंग रह गई है, स्ट्रीट्स के स्ट्रीट लाइट्स लगना रह गई हैं इस ब्लॉक में, और तीसरी चीज़ जो यहाँ पर मिसिंग है वो है हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं इस ब्लॉक में, अंडरग्राउंड सीवरेज, ऑप्टिकल फाइबर, ड्रेनेज, कॉम्पैक्शन, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं ब्लॉक बी में। और ये इसके ऑपोजिट साइड है ब्लॉक ए है, ईस्टर्न बाईपास के बिल्कुल साथ, और इसकी बैक साइड पे ग्रैंड ट्रंक रोड सिटी रोड है। अब अगर बात की जाए लाहौर स्मार्ट सिटी की तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ इसकी। फरवरी 2021 में इसका जो NOC है वो आया था, मई 27 को यहाँ मशीनरी मूव की थी, जून के फर्स्ट वीक में काम स्टार्ट हुआ था। 8 मंथ्स टाइम में सोसाइटी तकरीबन 1600 से 1700 प्लॉट है जिनको पोजेशनेबल रेडी कर चुकी है 8 से 9 मंथ्स में, और 3.5 साल से 4 साल का पेमेंट प्लान था हर एक मेंबर का जिन्होंने प्लॉट खरीदे थे। अभी यहाँ पे स्टेटस को यूं है कि विद द बेस्ट ऑफ टाइम सोसाइटी ने अनाउंस किया है हर 3 महीने बाद अराउंड 400 से 500 प्लॉट्स का पोजेशन जो है वो मेम्बरान को हैंड ओवर होता रहेगा, यानी कि जिनको फर्स्ट फेज में पोजेशन मिलेगा उनमें से किसी की भी इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं हुई, लेकिन सोसाइटी ने यहाँ पे फर्स्ट फेज के मेम्बर्स के लिए एक शर्त रखी है, वो ये है कि यू आर एलिजिबल टू अप्लाई पोजेशन इफ आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, इफ यू आर अबाउट टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन लेस देन 90 डेज, 90 दिन के अंदर अंदर आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है तब यहाँ पे आप पोजेशन अप्लाई कर सकते हैं जो फर्स्ट फेज में मेंबर्स होंगे। उसके बाद फिर सोसाइटी आगे लीनियर हो जाएगी, थोड़ी सी लीनियंसी देगी मेंबर्स को कि आप जब चाहें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लें, लेकिन इनिशियली ये डेडलाइन दी गई है कि आपने 90 दिन 3 महीने के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है। आगे जाकर जब इसमें बेहतरी होगी इंशाल्लाह मैं आपको उस हवाले से अपडेट कर दूंगा। फॉर द टाइमिंग साइट पे जो चीज़ें हुई हैं उनमें प्लॉट की कटिंग 5 मला 7 मला 10 मला 12 मला कनाल इनकी कटिंग जो है जो पोजेशनेबल रेडी हुआ है 7 मला 12 मला कम है इस ब्लॉक में, कुछ कॉर्नर प्लॉट है 7 मला के विद एक्स्ट्रा लैंड, बाकी तमाम प्लॉट 5 मला के। इस ब्लॉक में तमाम के तमाम प्लॉट 10 मला और कनाल के हैं, कुछ कॉर्नर प्लॉट हैं 10 मला के विद एक्स्ट्रा लैंड जो 12 मला के होंगे, बाकी तमाम प्लॉट सिर्फ यहाँ पे 5 10 मला और कनाल के हैं। ये ब्लॉक भी रेडी है और इस तरफ जो है ये ब्लॉक ये मई के स्टार्ट तक इनशाला रेडी हो जाएगा। बाकी स्ट्रीट जो बेसिक काम होता है हॉर्टिकल्चर, ये आप देख सकते हैं साइड पे जो आपको नजर आ रहा है 1 लाख क्यूबिक फीट या 1 लाख गैलन्स का आप कह लेंगे वाटर सप्लाई 1600 घरों के लिए सोसाइटी ने एक मतलब 1600 प्लॉट्स टोटल, जिनमें आई थिंक 3-4 साल तो लगेंगे लोग घर बनाने में, सारे जैसे पता डी वन थोड़ी घर बना लेंगे। सोसाइटी ने 1 लाख कह लेंगे फीट 1 लाख गैलन्स की सप्लाई पर डे रखी है, तो ये वाटर टैंक कम्प्लीट है, ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज में है। और इस तरफ इस ब्लॉक में अराउंड इस वक्त 1/3 सोसाइटी का एरिया ऐसा जहाँ पे विलास बन रहे हैं, 5 मला के विलास अभी स्टार्ट नहीं हुए, 10 मला कनाल के तकरीबन 200 के आसपास नंबर एन विलास का जो बन रहे हैं, जब ये कंप्लीट होंगे तो इंशाल्लाह इस हवाले से भी आपको अपडेट कर दूंगा। सो व्यूअर्स दिस वाज इट फ्रॉम डे, अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग वाले कुछ मालूम चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।